खबर राजगढ़ से है। राजगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी आरएस बनकर 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने फर्जी आरएस बनकर 35 लाख रुपए नगद और जेवरात की धोखाधड़ी की थी, जिसमें आरोपी के भाई और ड्राइवर रघुवीर जाट ने उसका पूरा साथ दिया। इसमें एक फर्जी आरएस अधिकारी बनकर लोगों को सस्ते प्लाट दिलाने के नाम पर लेकर राजगढ़ की महिला से सस्ते मकान भूमि दिलाने के नाम पर 35 लाख रुपए हड़पे। उस पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए हमने फर्जी आरएस अधिकारी विशाल कुमार जांगिड़, पुत्र विजय कुमार जांगिड़ को सीकर से दस्तियाब किया। और अलवर में 3 साल की बेटी के साथ महिला धरने पर बैठ गई है। दरअसल 1 महीने पहले बीच रास्ते में एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से महिला के पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार धरने पर बैठ गया है। पीड़ित परिवार का यह कहना है कि उन्होंने कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया से मुलाकात की। कलेक्टर ने जांच कर दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस की अवैध खनन और बजरी माफियाओं के साथ मुठभेड़ हुई है और इस दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच में गोलीबारी भी हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ जारी है। दरअसल धौलपुर में अवैध खनन और बजरी माफियाओं की मनमानी की शिकायतें मिल रही हैं। उन पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने चंबल के बिहड़ में एक अभियान चलाया था और इस कार्रवाई में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए हैं, उन्हें सीज कर दिया गया है। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। और दौसा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बड़ी वारदातों का खुलासा किया है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। दूसरी तरफ बड़ी वारदात में सैंथल थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले हुई हत्या के आरोप में आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरे खुलासे को लेकर पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने यह भी बताया कि कुछ दिनों पहले सैंथल थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया। प्रेम प्रसंग के पत्नी ने अपने पति की हत्या की थी, इस बात का भी अब खुलासा हुआ है। और खबर दौसा से है, जहां पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 25,000 की रिश्वत के साथ पटवारी को ट्रैप किया है। दरअसल पटवारी ने जमीन का काम करवाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची एसीबी ने रिश्वत के साथ पटवारी को ट्रैप कर लिया। एसीबी की कार्रवाई के बाद लालसोट उपखंड पर हड़कंप मचा हुआ है। काम तो चला है ना। और वहीं भरतपुर आईजी ऑफिस में एक नाबालिग रेप पीड़िता और उसके परिजनों ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। जैसे ही पुलिस अधिकारियों को इसके बारे में पता लगा तो अधिकारी परिजनों के पास पहुंचे, आईजी प्रसन्न कुमार से मिलवाया। रेप पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 18 जुलाई 2020 को 4 लड़कों ने उसका अपहरण किया, चंडीगढ़ ले जाकर उसके साथ कई दिनों तक गैंगरेप किया, जिसके बाद पीड़ित नाबालिग ने कामा थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस ने एक आरोपी को ही गिरफ्तार किया है, बाकी के 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। शेष 3 को उसके द्वारा मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर मुजरिम नहीं माना गया। तब ये आज से 2-3 रोज पूर्व वापस एसपी ऑफिस शायद आई थी, लेकिन उस दिन किसी से मिले बिना ये वापस लौट गए थे।
तब जानकारी इस पूरे प्रकरण की करवाई गई थी। इससे पहले ही क्योंकि एसपी साहब को कोई इस बारे में जानकारी मिली थी कि इसमें तफ्तीश सही हो या ना हो, इस बारे में इन्होंने एसपी साहब ने निष्पक्ष तफ्तीश के लिए इसके परिवार पर जून माह की शुरुआत में ही चेंज करके एडिशनल एसपी एडीएफ को दे दी है। रास्ते में जो है वकील साहब का भाना करके उतर जाता है, भाग जाता है। 20 की शाम को जो है बच्ची को जो है अपने पिताजी को सौंप दिया जाता है। 20 से लेकर 26 तक इनकी पंचायत चलती है। पंचायत में इनका मामला ना बैठने पर 26 की शाम को मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। इस पर जो भी डिप्टी एसपी कहाँ है उन्होंने तफ्तीश की थी, फैक्ट्स के आधार पर की थी, कॉल डिटेल के आधार पर की थी, और उसके आधार पर वकील को मुंजिम मांगते हुए उसको दबिश देकर हरियाणा से गिरफ्तार भी कर लिया था। अब चूंकि परिवादी खबर उदयपुर से है, जहां के महाराणा भूपाल अस्पताल में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने निरीक्षण किया, मरीजों से उनका हालचाल जाना। इस दौरान संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर ने अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने खाद्य सामग्री में मिलावट के खिलाफ पीएम के नाम जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा को एक ज्ञापन सौंपा है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने जिला कलेक्टर से खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने मांग करते हुए कहा है कि कांगड़ी और अन्य नामों से बिकने वाले आटा का उपयोग करने से करीब 150 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं खाजूवाला क्षेत्र में हिरण के शिकार का एक मामला सामने आया, जिसमें वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रेंज अधिकारी मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो हिरण का शिकार करता था आरोपी, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की और आखिरकार इस तस्कर को गिरफ्तार किया। अभी तक एक मुलजिम हमने पकड़ा है, जो कि 33 केजेडी की रोई में बैठा है, वन बावरी है, जिसका नाम गोगीराम है। रात को हमको पुलिस द्वारा सूचना मिली थी कि 0RD के पास कोई शिकार की घटना घटित हो गई है, तो मैं स्टाफ रात को वहाँ मौके पर पहुँचे तो घटना स्थल पर हमको 1.5 किलो कच्चा मीट प्राप्त हुआ है, जिसकी FSL जांच करवाई जाएगी। उसके बाद में ही क्लियर हो पाएगा कि हिरण का मीट है या नहीं है। और अलवर जिले के नौगांव थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस की कार्रवाई से अवैध शराब बेचने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। तो 2 आरोपी फिलहाल इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कार्रवाई, जिसमें सफलता मिली है। 2 आरोपी अवैध शराब बनाने में किस तरह से लिप्त थे, जिनकी गिरफ्तारियां अब हुई हैं। तो लगातार इससे पहले भी पुलिस कार्रवाइयां करती रही है, छापेमारी कार्रवाई करती रही है। अवैध शराब का जखीरा कई जगह से बरामद भी पुलिस ने किया है, लेकिन अब खबर यह है कि 2 आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो कि इस पूरे मामले में शामिल थे, और एक बड़ी खबर जयपुर से आ रही, जहां पर पुलिस प्रशासन में बड़े फेरबदल की तैयारी है। भूपेंद्र दक के प्रमोशन के 7 तबादलों की चेन भी है। 1 दर्जन ADG और IG की अदला बदली होगी। तो उच्च स्तर पर बता दें आपको, इसका पूरा जो होमवर्क है वो किया गया, और उसके बाद अब खबर यह आ रही है कि तबादले होंगे अब ADG और IG लेवल पर भी, उच्च स्तर पर। पहले दौर का जो होमवर्क था उसे पूरा कर लिया गया है, किस तरह से कहां पर किसका तबादला होगा। तो पुलिस प्रशासन में ये बड़े फेरबदल की तैयारी, इस वक्त जो खबर हम आपको बता रहे हैं, भूपेंद्र दक के प्रमोशन के 7 तबादलों की चेन, जो कि जिसमें 1 दर्जन बताया जा रहा है ADG और IG की अदला बदली होगी। हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय जयपुर से जुड़ चुके हैं ऑनलाइन पर। संजय, पुलिस प्रशासन में ये बड़े फेरबदल की तैयारी, जिसकी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं, क्या डिटेल्स, क्या जानकारी इसके बारे में? और
मैं बता दूं कि जिस तरह से भी कोरोना काल का दौर था और कोरोना काल में काफी अफसर एक ही जगह पर कोरोना के चलते जमे हुए थे, अब मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री पर खुद पर गृहमंत्री का भी चार्ज है, उसको गृहमंत्री भी है राजस्थान के, तो अब बड़े स्तर पर पुलिस फेरबदल की तैयारी चल रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों की भी अदला बदली होने की संभावना है, तो वहीं रेंज के आईजीओं को भी बदलने की संभावना है, कुछ पुलिस अधीक्षकों को भी बदला जाना है जिनका टर्न पूरा हो गया है या जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोरोना के बाद जब लॉकडाउन खुला है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब पुलिस बेड़े में फेरबदल की तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए पूरा होमवर्क किया जा रहा है, किस अधिकारी को कहाँ लगाया जाए, ये तैयारी उधर गृह विभाग में की जा रही है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में प्रशासनिक अमूल समूल जो परिवर्तन है उसकी संभावना जताई जा रही है संकट। लेकिन खबर ये भी है कि बड़े स्तर पर तबादले होंगे, तकरीबन बताया जा रहा है कि एक दर्जन एडीजी और आईजी जिनकी अदला बदली संजय होनी है, कुछ बड़े नाम अगर आप दर्शकों को बता पाएं, और बड़ी वजह क्या यही है परफॉर्मेंस जिसे आप बता रहे हैं इन तबादलों की? बिल्कुल, क्योंकि काफी समय से कोरोना के चलते 2020 के बाद से सरकार में जो तबादलों की एक प्रक्रिया होती है वो कोरोना के चलते हो नहीं पा रही थी, क्योंकि सभी अधिकारियों पर सबसे पहले रोकथाम और कोरोना से बचाव और लॉ एंड ऑर्डर में ड्यूटी लगी हुई थी। अभी कोरोना के खत्म होने के बाद, यानी कि राजस्थान में पूरी तरह खत्म नहीं है लेकिन जो रफ्तार है वो थोड़ी कम हुई है, और इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गृह मंत्री भी हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे में जो परिवर्तन करना है प्रशासनिक अमले का फेरबदल करना है वो कर लिया जाए, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। आईजी जो काफी समय से रेंजों में मौजूद हैं, कई विभागों में तैनात हैं, कार्मिक विभाग वह है जहाँ जांच होती है, विभागीय जांच होती है, तमाम जगह तो पुलिस महानिदेशक और उनको बदलने की तैयारी में गहलोत हैं जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।